मुंगेर के तारापुर शहीद दिवस के मौके पर निकाला गया 1000 फीट लंबा तिरंगा यात्रा। भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। देशभक्ति के गीत पर भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे के नारे लगाते दिखे लोग। दरअसल मुंगेर में शहीद दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई तारापुर के द्वारा 1000 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा गौतम राज, राहुल सिंह, करुण शर्मा, सुमित चौधरी, सत्यम निराला आदि के नेतृत्व में निकाला गया। वहीं इस मौके पर गौतम राज ने कहा कि विद्यार्थी परिषद लगातार कई वर्षों से शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम करते आ रही है और हमारी मांग है कि तारापुर शहीद स्मारक राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो। तारापुर की धरती वीर शहीदों की धरती है जो अपने वीरता के लिए जानी जाती है। बता दें कि जलियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड 15 फरवरी 1932 को तारापुर में हुआ था, जो थाना भवन में तिरंगा फहराने के क्रम में 34 वीर जवान शहीद हुए थे। उन्हीं वीरों की याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं। वहीं 1000 फीट लंबा तिरंगा यात्रा देशभक्ति गानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोगों ने निकाला। इस तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। उसके बाद शहीदों की याद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा 1000 फीट का निकाला गया था। इसके पूर्व भी विद्यार्थी परिषद के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा यहां पे सफलतापूर्वक निकाला गया है और हमारे तारापुर के तमाम जनता, युवा, मित्र, साथी और हमारे बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के हमारे वीर शहीदों को सबकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमारा तारापुर का जो धरती है वो वीर शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है तारापुर शहीद स्मारक राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो इसको लेकर के लंबे समय से कार्यक्रम करते आ रही है और अभी जो है हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल भी हुआ है और हमारे जो शहीद स्मारक जो है और ये शहीद दिवस जो है इसको एक राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हम तमाम अपने मित्र और तारापुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या नाम है? गौतम राज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभाभी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ प्रत्येक वर्ष तिरंगा यात्रा निकाला जाता है शहीदों के सम्मान में। इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ भव्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से तारापुर के वीर स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराखंड में जो शहीद हुए हैं राहुल सिंह जी की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। और हमारी मांग वर्षों से, पिछले कई वर्षों से विद्यार्थी परिषद के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारी मांगे हैं कि तारापुर राष्ट्रीय शहीद दिवस शहीद स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। यह यात्रा जो है पुरानी बस स्टैंड से निकलकर पूरा नगर भ्रमण होते हुए पुनः पुरानी बस स्टैंड पर आकर के समाप्त हुई। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह नाम हुआ, पूर्व में जिला संयोजक है। जो आज 15 फरवरी 1932 को यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग शहीद हुए थे थाना में तिरंगा फहराने के क्रम में, और इसी को लेकर हर साल की भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तारापुर इकाई यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला जाता है जो शहीदों के सम्मान में निकाला जाता है। अच्छा, क्या हर समझ रखिए कितना मीटर तिरंगा लंबा है ये? ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसका तो आपके पूरा तारापुर नगर भ्रमण करेगा। क्या नाम हुआ आपका?